ओके तो शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, जो अब तक हमने पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा, ये वही चीज है, बस थोड़ा सा कंडीशनल है। मींस इसमें हमें मैक्सिमा मिनिमा तो फाइंड आउट करना होगा, बट कुछ कंडीशन के साथ फाइंड आउट करना होगा। कैसे? मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ कि किस टाइप के प्रॉब्लम इसमें आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन का इसमें पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, या हमें किस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व करना होता है इस मेथड के हेल्प से। इसमें क्या होता है ना, आपको मैक्सिमम मिनिमम जैसे हम पहले फाइंड आउट कर रहे थे वैसे ही फाइंड आउट करना होगा, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। कंडीशन क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसको एफ एज्यूम कर लीजिए, देन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिस। ठीक है, मीन्स आपको एक एडिशनल कंडीशन दिया, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। ठीक है, या फिर कभी कभी जैसे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस सरफेस नियरेस्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, तो हमें ओरिजिन के नजदीक इस सरफेस पे कोई एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें पहले एक इक्वेशन बनाना होगा, फिर उसको मिनिमाइज करना होगा। जैसे मान लीजिए एक कर्व है और ये ओरिजिन है, तो यहां से हमें डिस्टेंस निकालना है इस कर्व का। तो जैसे सारे पॉइंट्स लेंगे, जैसे ए जो भी होंगे सारे होंगे ना, इनमें से जो मिनिमम होगा दैट इज दिस थिंग। तो ये वाला हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा, कौन सा पॉइंट होगा। तो हमें पॉइंट तो सारे हैं, बट हमें इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, दैट इज जो इस टाइप का हम इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे उसको मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, ओके तो शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास मैंने क्या बोला, एक फंक्शन गिवन रहेगा। ठीक है, तो एज्यूम करिए लेट एफ एक्स वाई जेड वी गिवेन, ओके लेट इट बी गिवेन एंड कॉन्स्टेंट एंड कंस्टेंट जी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी देन। ठीक है, मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट आ रहा हूं। हमें एक फंक्शन गिवन रहेगा और एक कंडीशन लाइक दिस, मीन्स ए हमारा एफ का रोल प्ले कर रहा है और ए जी का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो जी हम कैसे बनाएंगे, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझा दे रहा हूं। जैसे इस पूरे एक इसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलेंगे हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट। ओके, अब इसमें देखिए इसको क्या करना है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके एक साइड ला दीजिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए। ठीक है, अब इस पूरे थिंग्स को आप क्या करेंगे, जीरो एज्यूम कर लेंगे। तो मैं इस पूरे मेथड को एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग बताएंगे। ठीक है, ओके तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। ओके तो चलिए मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स कैसे वर्क करता है, दैट इज हम लोग कांस्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। मींस हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना हो विद सम कंडीशंस, कंडीशन लाइक दिस, देन हाउ वी विल वर्क। ओके तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, सोल्यूशन और वर्किंग रूल दोनों इसमें देखेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम लर्निंग है। ओके तो यहां पे जो जिसका हमें मिनिमम फाइंड आउट करना होगा उसको आप एफ एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो वर्किंग रूल आप स्टेप वन में क्या करेंगे, हमने ले लिया लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड आपको जो जी किसको एज्यूम करना है, इस पूरे को एक साइड लाके इक्वल टू जीरो कर दीजिए, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, इसको हम लोग जी एज्यूम करेंगे। ठीक है, पूरा अगर कुछ यहां पर मान लीजिए कुछ फाइव भी होता है तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लाके इक्वल टू जीरो करके देन उसको आप जी एज्यूम करेंगे। ओके तो एक चीज क्लियर होगा, एफ और जी। अब आप क्या करेंगे, एक नया इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सिंपल आपने कैलकुलस और वेरिएशन में पढ़ा हुआ है ना, कॉन्स्टेंट मैक्सिमम मिनिमम जो हम निकालते थे जिसमें हम लोग एफ प्लस लेमडा जी करते थे, वही चीज यहाँ पे करना है, जो कैलकुलस वेरिएशन में करवाते थे वही वाला यहाँ पे काम करना है। दैट इज हम लोग अब क्या करेंगे, स्टेप टू में आपको एक नया फंक्शन, मान लीजिए मैंने इसको कैपिटल एफ नाम दे दिया, तो कैपिटल एक्स वाई एंड जेड ए बनाएंगे, कैसे, एफ और जी के हेल्प से लेमडा जी, इस टाइप से हम बनाएंगे। अब इस पे वो सारी एक्टिविटी करेंगे जो हम इससे पहले किया करते थे, दैट इज अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और जो भी कैलकुलेशन करना होगा वो करेंगे। ओके अब हमने क्या बोला था क्वेश्चन में कि ए है लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, तो यहाँ पे देखिए ए लेमडा है जो डिटरमाइंड नहीं है, इसी के चलते इसी को हमें डिटरमाइन करना है कि लेमडा क्या होगा। लेमडा पता चल गया तो पूरा इक्वेशन पता चल जाएगा, पूरा इक्वेशन पता चल गया तो हम इजिली सोल्व कर लेंगे।
ओके तो सारा खेल यहाँ लेमडा का है। तो हम देखते हैं कि लेमडा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में तो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, स्टेप थ्री आपको क्या करना है, एफ कैपिटल एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है इक्वल टू जीरो करके सोल्व कर देना है, ठीक है। फिर एफ वाई निकालना है, इसको जीरो टू इक्वल टू करके सोल्व करना है और एफ जेड इक्वल टू जीरो सोल्व करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए आपके पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड और तीन इक्वेशन मिल गए, तो यहां से आपको यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज आप लेमडा डिटरमाइन कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे एक मैं समझा दे रहा हूँ कि एफ एक्स कैसे वर्क कर रहा है। एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का स्मॉल एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस लेमडा तो कॉन्स्टेंट है और जी का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको इक्वल टू आप जीरो सोल्व करेंगे। उसी तरह एफ वाई कैसे होगा हमारा, स्मॉल एफ वाई प्लस लेमडा जी वाई। ओके सिमिलरली आपका एफ जेड हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी बुक में इस कैपिटल एफ की जगह जो मैंने कैपिटल एफ लिया हुआ है उसको एल लिया गया, तो आप एल भी ले सकते हैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए, ताकि बार बार एक कंफ्यूजन ना हो टर्मिनोलॉजी, ठीक है, एफ जेड प्लस लेमडा जी वाई। ओके तो चलिए मैं ना सिंपलिसिटी के लिए जी ही लेता एल ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं एफ बोलूंगा तो आपको बार बार ये दिक्कत होगा कि कौन से एफ की हम बात कर रहे हैं। ओके तो इसको मैं कैपिटल एल ले ले रहा हूं। ओके एल फॉर लैग्रेंज नथिंग एल्स, आई थिंक अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब मैंने कैपिटल एफ के बदले कैपिटल एल ले लिया, तो अब एल एफ और जी ये तीनों टर्मिनोलॉजी पता है। हमने बोला था एल एक्स को इक्वल टू जीरो, इसको इक्वल टू जीरो, इसको इक्वल टू जीरो, इसको सोल्व करना है और यहां से लेमडा हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे लेमडा फाइंड आउट होगा। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमारे में क्या था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रिकॉल कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ आप लोगों को क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सरफेस वेयर दिस कंडीशन होल्ड। ओके तो एफ एक्स एफ वाई सॉरी एल एक्स एल वाई और एल जेड निकालते हैं क्या आएगा हमारा, तो यहां से हो जाएगा आपका एल एक्स, एल एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स प्लस लेमडा, अब इसको इक्वल टू हमें जीरो पुट कर देना है। सिमिलरली एल वाई हो जाएगा टू वाई प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, एंड इन सिमिलर वे एल जेड इक्वल टू टू जेड प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स, यहां से लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू वाई, एंड यहां से लेमडा इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू जेड। अच्छा यहां पे देखिए तीनों लेमडा इक्वल है, ए इंप्लाई क्या करेगा, इसका मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, दैट इज माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस टू जेड। सो उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ओके तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा था, स्टेप फोर में जो एक्स वाई जेड निकल गया ना, इसको जो कॉन्स्टेंट दिया है उसमें रख के सोल्व कर दिया। कॉन्स्टेंट हमारा क्या दिया हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, इसमें रख के सोल्व करिए, एक्स वाई का जो वैल्यू निकलेगा उसकी हेल्प से हमें लेमडा फाइंड आउट कर देना है। अगर मान लो एक्स भी निकल गया तो एक्स इक्वल टू क्या है माइनस सॉरी लेमडा इक्वल टू क्या है माइनस टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू रखिए और लेमडा निकल जाएगा, दैट इज हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इस तीनों पॉइंट को रखिए, सो बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन क्या था हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, दैट इज इस तीनों वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पे तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा, तीनों इक्वल है इक्वल टू वन, इंप्लाई करेगा एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री। सो हमारा पॉइंट क्या पता चल गया, एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री कोमा वन बाई थ्री कोमा वन बाई थ्री। इसमें एक्चुअली करना क्या था, हमें लेमडा निकालना था और लेमडा के फिर वाई जेड निकालते, बट यहाँ पे तो तीनों इक्वल था तो कोई एक भी निकल गया तो बाकी भी कैलकुलेट हो गया, तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा पॉइंट पता चल गया, ओके अब एक चीज देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, ये नहीं कि जितना मेथड जानते सारा मेथड इंप्लीमेंट करिए। यहां पे हमें क्या दिया हुआ, फाइंड द मिनिमम ऑफ दिस सरफेस वेयर दिस होल्ड्स। ओके हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आया, तो जब एक ही पॉइंट आया तो ओबियस सी बात है उसी पॉइंट पे बात कर रहा होगा, ठीक है। जब एक से ज्यादा पॉइंट आता, मान लो एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू आता, तब हमें चेक करना होता कि किस पे मिनिमम और किस पे मैक्सिमम आ रहा, बट यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है तो हम फिर क्यों ज्यादा आगे करेंगे। तो आपको क्या करना है, अब जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकला उसको इसमें पुट करिए और सोल्व कर दिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका मिनिमम हो जाएगा इस फंक्शन का। ओके तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्या मिल गया, वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री। सो मिनिमम
इवन तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम भी पूछता है ना, तो भी आप वही करते, मिनिमम ऑफ एफ इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज 1/3 टू द होल स्क्वायर प्लस 1/3 टू द होल स्क्वायर प्लस 1/3 टू द होल स्क्वायर, दैट इज 3 टाइम्स 1/3 स्क्वायर, दैट इज 1/3। ओके, तो ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि अगर कुछ और कंडीशन के साथ आ जाए, दैट इज जहां पे हमारा मतलब जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली निकल गया, जब हमें मैक्सिमम मिनिमम देखना हो जाए कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, हम फिर कैसे देखें कि वो पॉइंट जो हमारा निकल रहा है मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो इसके लिए कुछ और वर्क करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एक पॉइंट जैसे हमने यहाँ मिनिमम वैल्यू निकाला था ना, तो सही में मिनिमा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, अब हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा इसका चेक करेंगे। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे मेथड दिया हुआ है, बट मैं जो यहाँ एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इजी वे में है। आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके वहां से कुछ पार्टिकुलर वैल्यू निकालना है, उस पार्टिकुलर वैल्यू के बेस पे आप बोल दोगे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। तो हमें क्या करना है, जस्ट एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप 4 स्टेप में कर लिया था, स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 में आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स से कुछ एम हम नाम दे रहे हैं, अब कैसे बनाएंगे, जो हमने एल नाम दिया था, ठीक है, अब क्या करना, एल 11 माइनस के ले लेना, एल 21, एल 31 एंड इधर एल 12 के, एंड जो हमारा जी था, ओके, उस जी को जी 1, जी 2, जी 3, इधर से भी जी 1, जी 2, जी 3 और इस कोने पे 0, ए मैट्रिक्स आपको एक बनाना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के हेल्प से हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर के पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, के नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, और इसी टाइप से अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा तो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, तो इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि एल 11 ए समथिंग क्या आ गया, ठीक है, तो मैं हिंट दे रहा हूं, जैसे एल 11 क्या है आपका, जो हमने एल निकाला था ना, ठीक है, जो एल निकाला था उसका उसका आप डेल एल, इसका पहला जो आपने जैसे हमने तीन वेरिएबल लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, ठीक है, तो आप एल 11 का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डबल पार्शियल डेरिवेटिव। उसी तरह अगर एल 12 निकालना होता है क्या हो जाएगा, पहले इसका करेंगे तो डायरेक्ट डेल स्क्वायर एल और 2 यानी डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, 1 2 दैट इज एक्स वाई, इस टाइप से। तो आपको क्लियर होगा, मान लो अगर कोई एल 13 निकालना चाहे तो क्या निकालेगा, डेल स्क्वायर एल पहले 1 यानी डेल एक्स डेल जेड, ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। और सिमिलर वे में अगर जीवन जी टू जी थ्री हम बात करें, जीवन जी टू जी थ्री क्या है आपका, जीवन हो जाएगा डेल जी अपन में डेल एक्स, ओके, उसी तरह जी टू निकालना होगा तो जी टू क्या हो जाएगा, डेल जी अपन में डेल वाई, एंड जी थ्री क्या हो जाएगा, डेल जी अपन में डेल जेड। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ओके, तो अब हम इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आता है। तो एक बार यहीं से देख लीजिए, हमने पीछे कुछ कैलकुलेशन किया, वजह से मान लीजिए एल 11 निकालना है तो हमने अभी एल एक्स, एल 1 क्या है एल एक्स है, एल 2 क्या है एल वाई है, और एल 3 क्या है एल जेड है। अब उनका हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं रफली बना दे रहा हूं, कहां गया, यहाँ पे देखिए एल एक्स निकला हुआ है हमारा, ठीक है, अब इसका अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए 2 दे देगा, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 दे देगा, इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 दे देगा। ओके, अगर अब ए एल एक्स वाई निकालेंगे, दैट इज एल 12 निकालेंगे, तो एल 12 क्या दे देगा, वाई के रिस्पेक्ट में 0 दे देगा, एल 13 क्या देगा, जेड के रिस्पेक्ट में भी 0 देगा, एल 21 हमारा क्या दे रहा था, एल 21 मतलब वाई और जेड के रिस्पेक्ट में 0 दे देगा, एल 22 क्या दे रहा था, 2 दे रहा था, इधर एल 11 क्या था हमारा, 2 था। इस टाइप से सारा आपको क्लियर होगा, मींस जो डायगोनल वाले हैं, देखिए डायगोनल पर 11 है, डायगोनल 22, इसी तरह एल 33 क्या दे देगा, 2 दे देगा, यहाँ पे 2 हमने निकाला था, और बाकी जो जितने क्या है सारे 0 आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या होता है। इस मैट्रिक्स को हमें फिल करना है और फिल करके डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके सोल्व करके के निकाल देना है। ठीक है, के निकालने के बहुत सारे मेथड आप जानते होंगे जो भी मैट्रिक्स थ्योरी में, जो लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बार देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे एम क्या बन रहा है। ओके, एम
L11 क्या था हमारा, 2 था। अच्छा इस मैट्रिक्स का कहां पे वैल्यू निकालो, क्योंकि सारे तो वेरिएबल के टर्म में आ जाएंगे ना, तो इसका जो हमारा पॉइंट निकला है ना उस पॉइंट में निकालना है। दैट इज हमारा पॉइंट क्या निकला था, हम किस पॉइंट को मिनिमा या मैक्सिमा चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि मान लो एक से ज्यादा पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट आ गया, तो हम इसको चेक करेंगे एट जो जैसे 1/3 आया था, तो 1/3 जिस भी क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड हम चेक कर रहे हैं उस क्रिटिकल पॉइंट पे इसका वैल्यू निकाल के ए पार्टिकुलर के, हर एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए ए पार्टिकुलर के अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्या हो जाएगा, L11 हमारा 2 आ रहा था, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 2 माइनस के, फिर इधर 0 आ रहा था, 0 आ रहा था, ये भी 0 आ रहा था, ये भी 0 आ रहा था, इधर फिर 2 माइनस के, फिर इधर 0 आ रहा था, इधर 0 आ रहा था, ये 2 माइनस के था। हमें अब G1 G2 G3 निकालना था। जी क्या था, जी था आपका, मैं हिंट लिख दे रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 था। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, y के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, z के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 1 1 1, और यहां पे क्या था, 0 था। अब हमें क्या करना है, इस k का फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या हिंट दिया था आपको, क्या करना है, डिटरमिनेंट m का इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर देना है। अब अगर k पॉजिटिव आता है या फिर k नेगेटिव आता है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होगा मिनिमा, और अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब होगा कि ये जो शेडल, ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है वो मैक्सिमा। अच्छा एज्यूम करिए कि के का दो वैल्यू आ गया, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा, तो वो पॉइंट क्या होगा, नाइदर मिनिमा नोर मैक्सिमा। ओके तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसका डिटरमिनेंट 0 कब होगा। देखिए आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, तो एक उनमें से मेथड है जो सिंपल हम मैट्रिक्स थ्योरी की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर इक्वल हो जाता है किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तब किसी दो को उठा लीजिए जो आपका मन करे, मान लीजिए मैंने इस दोनों को उठा लिया, ये देखिए दोनों क्वांटिटी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये दोनों इक्वल कब होगा, ओके तो इक्वल टू करके हम सोल्व करते हैं जो भी आएगा हमारा। तो यहां पे मैंने इसको इक्वल कर दिया, इसको इक्वल कर दिया, दैट इज 2 माइनस के इक्वल टू 0, और इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 2 माइनस के, दोनों को सोल्व करने पे के इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, और 2 क्या है, पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव है तो हमारा कौन सा केस लागू होगा, दिस थिंग, दैट इज एट दिस पॉइंट, पॉइंट क्या था हमारा, 10.1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके ये पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। लेकिन जब हमें पहले पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी पूछ रहा है, तो हम फर्दर क्यों चेक करेंगे इसको, एग्जाम में अगर ऐसे आता तब ये चेक मत करने लगना। लेकिन हाँ जब नहीं दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा या शेडल पॉइंट होगा, तब आपको ये एक्टिविटी करने की जरूरत है, तब इसके बिना आप नहीं बता सकते। बट जब आपको पहले ही पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट होगा जिसपे मिनिमम मिल रहा है और एक ही पॉइंट आ ही रहा है, तो आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, आप चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो जिस टाइप का क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। तो इसकी हेल्प से कुछ एग्जांपल्स आप इनको ट्राई करना, मैं कुछ और भी एग्जांपल्स करवा दे रहा हूँ दूसरे तरह से, जैसे जो मिनिमम डिस्टेंस वाला था ना उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। और एक इसको स्क्रीनशॉट आप वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन करिए, और इसके आंसर मैं यहाँ पे सभी शो कर दे रहा हूँ, आप बैक करके बाद में देख लेना, सबका आंसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसका क्या आंसर होगा। ओके तो होपफुली ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, नोट डाउन करके फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके ओके तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ और एडिशनल इक्वेशन सेटअप करना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक ही इक्वेशन मेंशन किया, फाइंड ए पॉइंट ऑन द प्लेन दिस विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। ओके तब आपको, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है, हम कैसे यहाँ पे बताएं। ठीक है, तो आपको कुछ और चीजें यहाँ पे एडिशनल एड करना होगा। क्या करना होगा, रिकॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते थे। अगर ए पॉइंट पी है और ए क्यू है, इसको एज्यूम करिए कि पॉइंट एक्स वाई जेड था और ए पॉइंट ए बी सी है, तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, आपको याद होगा तो कुछ ऐसे लिखते थे हम लोग, दोनों पॉइंट में फर्स्ट क्वारिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस सेकेंड क्वारिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस थर्ड क्वारिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये चीज हो गया। ओके अब देखिए, तो यहां पे
इस प्लेन पे हमें कोई पॉइंट लेना है ना, फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस प्लेन विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। ओके, तो एज्यूम कर लीजिए उस पर जो पॉइंट है उसका कुछ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, लेट दैट पॉइंट विल बी, लेट दैट पॉइंट विल बी कुछ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, एक्स पॉइंट होगा ठीक है, ये एक पॉइंट होगा उस प्लेन के ऊपर। ओके, सो बाय वन, और हमें किसे नियरेस्ट दिखाना है, एक पॉइंट है दूसरा नॉन है, सो बाई वन, बाई वन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इस पॉइंट ले लीजिए एक्स नॉट माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ओके, इसको कुछ एफ नाम दे दीजिए। तो मैं थोड़ा देर पहले आपको जो एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन क्या किया था कि कोई जैसे ए है ठीक है, ए एक नहीं ये तो टू डी में हो गया, एक प्लेन मान लीजिए ठीक है, ए है और एक पॉइंट है पी, इससे हमें डिस्टेंस निकालना है इसका, तो इससे डिस्टेंस क्या होगा, देखिए इससे ए भी डिस्टेंस होगा, ए सारे डिस्टेंस इसी पॉइंट से है देखिए ठीक है, तो हमें सारे डिस्टेंस हमें मीनिंग ओ पॉइंट निकालना है इस प्लेन पे जो इस पॉइंट से नजदीक हो, तो देखिए मतलब मुझे लग रहा है कि ए पॉइंट नजदीक होगा ठीक है, तो इस तरह कुछ भी हो सकता है, ये सारे पॉइंट इसी पे हैं बट हमें नियरेस्ट वाला निकालना है, दैट इज अगर मैं इसको पी क्यू नाम देता हूं तो इस पी क्यू को क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा ठीक है, तो इसी का इक्वेशन मैंने जो सेटअप किया इसी का इक्वेशन उसको मैं कुछ एफ नाम दे दिया और इस एफ को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। ओके, तो यहां पर मैंने एफ नाम दे दिया, इस एफ को अब हमें मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, ये देखिए सब्जेक्ट टू दिस दैट इज एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस ट्वेल्व, तो हमारा वो कंडीशन होगा जिसमें हमें मिनिमाइज करना होगा। ओके, अच्छा इसको फिक्स नहीं करते हैं क्योंकि ये हमें सोल्व करने के बाद एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट ऑब्टेन होगा, तो पहले मिनिमाइज करना होगा, तो पहले हम इसको एक्स वाई और जेड ही रहने देते हैं ठीक है। ओके, तो एफ ए हो गया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, यहां पे कॉन्स्टेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू ट्वेल्व था, फिर मैंने क्या बताया था कि इसको अब जी नाम दे देना ठीक है, मैंने जी दे दिया और जी देने के लिए मैं क्या बोला था कि इसको है एक साइड शिफ्ट कर देना, सभी को एक साइड शिफ्ट कर दिया तभी क्या इक्वल टू जीरो बनेगा ना, तो इसी पूरे को हम लोग जी मान रहे थे ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एफ और जी मिल गया, तो अब फटाफट वर्क करिए, अब क्विकली सोल्व करिए, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं और जिनको नहीं समझ में आ रहा हो वो मेरा नेक्स्ट स्टेप देख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में तुमने अकाउंट सेट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एल बनाएंगे, एल क्या होगा एफ प्लस लेमडा जी, सॉरी एफ प्लस लेमडा जी होगा, दैट इज दिस थिंग प्लस दिस थिंग। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन को पूरे को ले लीजिए। ओके, एक चीज मैं और आपको यहां पे क्लेरिफाई करूंगा कि देखिए हमें कैलकुलेशन में थोड़ा देर पहले बोला था कि स्मार्ट वर्क करना है। ओके, तो इसमें ये देखिए इसको क्या करें, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको कुछ हम इसको मान लीजिए एफ वन मान लिया ठीक है, तो एफ वन को हम लोग एफ लिख सकते हैं ठीक है, तो अब यहां पे हम इसको एफ लेंगे, मैंने इसलिए ऐसा किया कि हमारा कैलकुलेशन होने रूट वाला टर्म ना आए ठीक है, अगर रूट वाला टर्म आता है तो फिर आपको डेरिवेटिव करने में बड़ी टेढ़ा मेढ़ा होगा, और इवन तो हम जानते हैं कि रूट क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है, दैट इज इसके अंदर का क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और एंड अगर हम अंदर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो पूरा रूट का वैल्यू बढ़ेगा और अंदर की क्वांटिटी घटेगा तो पूरा रूट की वैल्यू घटेगा, तो अगर हम अंदर वाले फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं तो पूरा रूट का वैल्यू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा ठीक है, तो यहां पे हम इस टाइप का एजम्पशन ले सकते हैं, दैट इज इसको एफ वन मान के दोनों तरफ होल स्क्वायर मान के, तो इस एफ को हम कर सकते हैं, तो अब हमारा काम आसान हो जाएगा, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है ठीक है, आप डायरेक्टली अपडेटेड एफ को लीजिए, तो अपडेटेड एफ क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ये क्या था, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस ट्वेल्व, आई थिंक ये क्लियर होगा ठीक है, अगर आपको स्टेप समझ में आ गया तो फटाफट नेक्स्ट स्टेप करिए, अदरवाइज आप मेरे साथ करते चलिए ठीक है, समझ में आ रहा था वीडियो को पॉज करिए और सोल्व करिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैं इसको एल नाम दिया था, अब हम एल एक्स एल वाई एल जेड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एल एक्स क्या होगा, एल वाई क्या होगा और एल जेड क्या होगा, क्विकली सोल्व करिए आप लोग, पार्शियल डेरिवेटिव इसको निकालेंगे एल का एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और वहां से एक्स वाई जेड लेमडा के टर्म में ला देंगे ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप देखिए
एल का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स x माइनस 1, ओके 2 टाइम्स x माइनस 1, यहाँ पे x का टर्म नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, तो लैम्डा इनटू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना। सिमिलरली हम l का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स y माइनस 2, फिर इधर नहीं है, इधर नहीं है, फिर यहाँ 2 टाइम्स लैम्डा, ओके, तो ये हो गया। फिर लास्ट वन है l का z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें z का टर्म है, तो 2 टाइम्स z माइनस 3 यहाँ पे हो गया, प्लस इधर देखिए, इधर 3 टाइम्स होगा z, तो ये 3 लैम्डा हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करके आप x y z को तीनों का लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां से मैंने सिंपलीफाई किया तो मेरा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के टर्म में ये तीन वैल्यू आ गया। अब आपको यहां से क्या करना है, हमारा जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ए जी दिया हुआ है ना, इस जी में इस एक्स वाई जेड को पुट करिए, पुट करके सोल्व करिए, तो सोल्व करके आपका जो कुछ भी आएगा वो जैसे देखिए तीनों एक्स वाई जेड पुट करेंगे तो लैम्डा के टर्म में आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू यहां से निकल गया, लैम्डा का वैल्यू जो भी निकलेगा उस लैम्डा को यहां पे पुट करिएगा तो आपका एक्स और वाई जेड तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगा, वही हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। अब बाद में हम मैक्सिमम मिनिमम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे, तो चलिए मैं पुट करता हूं, इसमें पुट कर दिया, आप इसको देख सकते हैं, मैं नोट डाउन कर दिया था, ओके तो यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद इतना चीज आएगा, इतना करने के बाद ये जीरो आ गया, तब यहां से हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। ओके तो होगा 8 to 10, ए हो जाएगा टोटल 28, इधर हो जाएगा 9 और 10 माइनस 14 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 24, ओके दैट इज यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा आपका 4 by 14 दैट इज 2 by 7, ओके ठीक है। तो अब यहां से x क्या हो जाएगा, x था हमारा 2 माइनस लैम्डा बाई 2 दैट इज 2 माइनस 2 बाई 7 बाई 2 दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका 7 × 14 में से 2 का 12 by 14 दैट इज ये हो जाएगा आपका 6 by 7, ओके okay? आप इसी तरह y z दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वही पॉइंट जो हमारा निकलेगा वही हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो y क्या होगा 4 − 2 λ/2, तो 4 − 2 λ क्या हो जाएगा 4 by 7 अपॉन में 2 दैट इज 7 × 28, 28 − 4 = 24 by 14 दैट इज 12 by 7, ओके एंड लास्ट वन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली 6 − 3 से मल्टीप्लाई करना था तो 3 × 2 by 7 अपॉन में 2 यही था, ये हो जाएगा 46 में से 6 गया 36 अपॉन में 14 दैट इज 18 by 7। ये तीनों पॉइंट पता चल गया, शो नियरेस्ट पॉइंट विल बी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 6 by 7 12 by 7 एंड 18 by 7, ओके तो ये पॉइंट निकल गया, होपफुली आपको क्लियर रहा होगा, ओके अब अगर आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है, चेकिंग मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, अगर आप इसको इंटरेस्टेड हैं तो वहीं जो मैंने बताया था एम फाइंड आउट करिए, एम फाइंड आउट कहां करना है, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके के सोल्व करना है, के जो आएगा पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, तो मैंने बोला नियरेस्ट पॉइंट दैट इज हमने मिनिमाइज किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप निकालिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको हम लोग छोड़ते हैं और आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है, तो इसको आप पॉज करके सोल्व करिएगा और नेक्स्ट थिंग ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है और कुछ क्वेश्चन और मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ये सोल्वड एग्जाम्पल्स है, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया अभी जस्ट करवाया वाला, इससे पहले एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू दिस, अच्छा ये हमने सोल्व कर लिया है, ओके एक क्वेश्चन है पैरेलल पाइप वाला, ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरेलल पाइप दिस सब्जेक्ट टू दिस इज, तो इसमें वही काम आपको करना है, पहले एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन हमारा यहाँ पे वॉल्यूम से निकल गया, ए रिलेशन बन गया, तो इसको हमने कुछ एफ नाम दे दिया और जो ए हमारा था इसको हमने फाई दे दिया था, ये हमारा क्या था जिसपे हम सब्जेक्ट टू लगा रहे, जिसको हम लोग जी दे रहे थे, तब यहाँ से आप दोनों को कम्बिनेशन से एक रिलेशन बनाएंगे जिसको हम लोग एल बोल रहे थे, अब इस पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के आप वहां से पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, और पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद ये देखिए तीनों सोल्व हो गया, सोल्व करके एक के टर्म में कर दिया, सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारा लैम्डा निकलेगा, लैम्डा का वैल्यू पुट करने के बाद जो निकलेगा इसको आप इसमें फाइनल जो हमारा वॉल्यूम था एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो जो निकलेगा वही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।